गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाषा, लिपि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने देखा कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तीन, जिसमें हमने पढ़ा था तीन भाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के अंतर्गत हमने देखा कि भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की। अब किसी भी भाषा के लिए जो व्याकरण होती है उस व्याकरण का निर्माण वर्ण, शब्द और वाक्य विचार के रूप में होता है। तो पहला विषय है हमारा वर्ण विचार। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात जैसे आप क लिख रहे हो तो क के क में अस्वर का योग है, ठीक है, लेकिन अगर अस्वर का योग ना करें तो उसके नीचे आप देखते हो हलंत लगता है, तो वो वर्ण है, उसका विच्छेद नहीं किया जा सकता, उसका विखंडन नहीं किया जा सकता। क स्वतंत्र रूप से है तो वही क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पर वर्ण कहलाता है, लेकिन स्वरों के योग से वो क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। तो समझ में आ चुका होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वह ध्वनि चिन्ह है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसी भी भाषा का प्रारंभिक चरण होता है जिससे व्याकरण का निर्माण होता है या किसी भी भाषा का निर्माण संभव होता है। अब केवल एक वर्ण से भाषा का निर्माण नहीं होता, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे वर्ण मिलकर के एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो वर्णमाला क्या चीज़ होती है, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला या वर्णों का समूह, वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। मतलब किसी भी भाषा के जो मूल ध्वनि चिन्ह हैं वो ध्वनि चिन्ह जब व्यवस्थित समूह के रूप में रख दिए जाते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। अब हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के हमारे यहाँ पर दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। अब आप जानना चाहोगे कि स्वर क्या चीज़ है और व्यंजन क्या चीज़ है। सबसे पहले हम स्वर के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। स्वर क्या होते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु या हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। और स्वरों का उच्चारण क्या होता है, हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में 11 स्वर हैं, अ आ ई ई उ उ री ए आई ओ और औ। आप देखो, आप जब इनका उच्चारण करते हो तो आपके मुंह के अंदर जितने पार्ट हैं, जितने यंत्र हैं, स्वर यंत्री में जितने अंग हैं, आप देखना वायु किसी से भी नहीं टकराती और बिना रुकावट के बाहर निकलती है। जैसे आप देखो अ का उच्चारण करो अ, तो आपका मुंह खुला रहेगा, वायु सीधी बाहर आएगी। तो इसी तरह किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो वायु बिना किसी रुकावट के क्या होती है, मुख से बाहर आती है। और हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं जिन्हें स्वरमाला कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, अ आ ई ई उ उ री ए आई ओ औ। अब उच्चारण में हम देख रहे हैं कि हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, तो स्वरों के उच्चारण में भी क्या होता है, अलग अलग स्वर का उच्चारण करने में अलग अलग टाइम पीरियड लगता है या वायु की अलग अलग मात्रा का प्रयोग होता है। तो इसके आधार पर हमारे यहाँ स्वरों के तीन भेद किए गए हैं, ऋष्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुथ स्वर। अब ऋष्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुथ स्वर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऋष्व स्वर जिनको आप शॉर्ट वोवेल के रूप में जानते हो, ये हमारे यहाँ पर चार होते हैं, अ ई उ और री। अब ऋष्व स्वर क्या चीज़ होते हैं, ये देखिए आप, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें
रिश्व स्वर कहते हैं। जैसे आप अ ई उ और री का उच्चारण करो, अ आ, आप देखो अ में कम समय लग रहा है, आ में ज़्यादा समय लग रहा है, तो आ में ज़्यादा लगा तो वो तो रिश्व हो ही नहीं सकता, तो जिसमें कम समय लग रहा है वो क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पर, वो रिश्व स्वर कहलाएगा। तो अ ई उ तथा री जो हैं ये हमारे यहाँ पर रिश्व स्वर माने गए हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, रिश्व स्वर से दुगना समय लगता है या रिश्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ, तो आप देखो अ में और आ में दोनों में डबल समय लग रहा है, आ में कम लग रहा है, आ में ज़्यादा लग रहा है, तो आ क्या बना हमारे यहाँ पर दीर्घ स्वर बना, क्योंकि वायु की अधिक मात्रा का उपयोग हुआ, या कहा जाए तो इनके उच्चारण में रिश्व स्वर से हमें दुगना समय लगा। जैसे अ आ आप देखो, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ पर, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा स्वर होता है हमारे यहाँ पर प्लुथ स्वर। तो हम प्लुथ स्वर की बात करते हैं, अब इनमें क्या होता है, रिश्व और दीर्घ इन दोनों से भी अधिक समय लगता है, मतलब तिगुना समय जिसे कहा जा सकता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में रिश्व स्वर से तीन गुना समय अधिक लगता है या तीन गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस की तरह होता है, जिसे हिंदी भाषा में वक्र रेखा कहा जाता है। इसका प्रयोग मोस्टली कहाँ पर होता है, जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, हम रो रहे हैं या जोर जोर से गा रहे हैं, तो आप देखना इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे आप एक तो ओम लिखो, आपने देखा होगा कई बार ओ और म के बीच में एक एस बना हुआ रहता है, तो वो एस चीज का सूचना देता है कि वहाँ पर स्वर का उपयोग अधिक हो रहा है, मतलब वायु का उपयोग अधिक हो रहा है या समय अधिक लग रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे यहाँ पर, वो चीज़ क्या कहलाती है, प्लुत स्वर कहलाती है। जैसे आप देखना ओम ओम ओम, तो इस तरह से आपको जब अधिक समय लग रहा होता है तो ये चीज़ क्या कहलाती है हमारे यहाँ पर, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब प्रत्येक स्वर की क्या होती है, मात्रा अलग अलग होती है, तो मात्रा क्या चीज़ होती है, स्वर का खंडित रूप होता है जो किसी भी वर्ण में जुड़ करके उस स्वर को पूर्णता प्रदान करता है। देखा जाए तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा ये व्यंजनों के साथ मिलकर बोले जाते हैं। जब ये व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं तो प्रत्येक स्वर का क्या बनता है, एक चिन्ह बनता है, और वो चिन्ह ही क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर, मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है, प्रत्येक स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप जो होता है वो उसकी मात्रा कहलाता है। अब आप देखिए हमारे यहाँ इन मात्राओं का उपयोग अलग अलग स्थितियों में कैसे कैसे कब कब किस स्थिति में किस रूप में किया जाता है, तो ये आपको मैं अलग से बताऊंगा। जैसे ऊ तथा ऊ की मात्राओं का प्रयोग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा ऊ की मात्राओं का प्रयोग प्रायः व्यंजनों के नीचे किया जाता है। जैसे आपने कोई लिखा, कोई व्यंजन लिखा, ठीक है ना, जैसे आपने पूर्व लिखा, अब पूर्व में आपने मात्रा का उपयोग कहाँ किया, नीचे किया। लेकिन कुछ स्थिति होती है जैसे र, अब र के साथ जैसे ही ऊ की मात्रा लगेगी तो वो नीचे नहीं लगती, वो उसके बीच में लगती है। तो क्या कहा है, ऊ तथा ऊ की मात्राओं का प्रयोग प्रायः व्यंजनों के नीचे किया जाता है, परंतु व्यंजन र में ये मात्राएं कहाँ होती है, आगे लगाई जाती है। जैसे र प्लस ऊ बना तो रू और रुपया, आप देखो कहाँ लगी, र के ऊपर लगी यानी बीच में लगी। या जैसे कहा रू, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगी, बीच में लगी। ठीक इसी प्रकार से री स्वर है, री का प्रयोग, री स्वर का प्रयोग मोस्टली आप देखना संस्कृत में किया जाता है, लेकिन हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हीं तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। हिंदी में इसका उच्चारण किसके समान होता है, री। जैसे आप देखना ऋषि, अब ऋषि का प्रयोग, ऋषि शब्द कहाँ से, संस्कृत से, और संस्कृत से आया हुआ शब्द क्या कहलाता है हमारे यहाँ, तत्सम कहलाता है। तो इस प्रकार से री शब्द का प्रयोग उन तत्सम शब्दों में होता है। अब तीसरी बात, जब र को हम किसी व्यंजन से पहले जोड़ते हैं, रेफ रकार जो वर्ण होते हैं हमारे र, तो र को किसी व्यंजन से पहले जोड़ा जाता है तो उस र को कहाँ लिखते हैं हम, उस व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। जैसे का र और ये, आप बोलते हो कार्य, तो र पहले बोला गया लेकिन लगा कहाँ पर, य के ऊपर, ये य के ऊपर लगा, तो इसलिए क्या कहा कि र का
को किसी व्यंजन से पहले जब हम जोड़ते हैं तो वो कहाँ पर लगता है, उस व्यंजन के ऊपर लगता है। अब अगली बात देखिए, जब र को किसी अन्य व्यंजन से जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है। जैसे आपने कहा कि र को व्यंजन से पहले जोड़ा गया तो वो कहाँ लगा, ऊपर, और किसी अन्य व्यंजन से जोड़ा गया तो वो कहाँ लगा, नीचे। जैसे आप देखो प्रश्न, प्रश्न तो प और र, तो प के नीचे र एक डंडी के रूप में लगाया तो ये बना प्रश्न। ज और र, ज्र तो ज्र यानी वज्र, तो ज के नीचे र लगा। इसी तरह से देखो अगला नियम हमारे यहाँ कहता है कि ट और ड के साथ र जोड़ने पर ये क्या बनते हैं, ये अलग रूप में बनते हैं। जैसे आप ट प्लस र जोड़ो तो ट्रक, तो ट्रक में कैसे लगा, दो डंडियाँ जो लगती है वो किस रूप में लगी, आपने देखा ट्रक लिखते हैं या ड्रम लिखते हैं तो कैसे लग रही है, तो ये र का स्वरूप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यंजनों के साथ जुड़ने के कारण अलग अलग रूप में लिखा जाता है। अब इसके बाद देखिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, बिंदी केवल, ये बिंदी जो होती है किसी भी शब्द के ऊपर हम बिंदी का प्रयोग करते हैं तो वो अनुस्वार कहलाती है। लेकिन इन्हें अनुस्वार क्यों कहा, क्योंकि जिन इन स्वरों का उच्चारण में केवल हमारे नाक का सहयोग प्राप्त होता है या जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, रेखा बंधनी के ऊपर, शिरो रेखा के ऊपर केवल बिंदी लगाते हैं वो इसका चिन्ह बनता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे अंक लिखो, गंगा लिखो, लंगूर लिखो, मयंक लिखो, ठीक है। अब अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, देखिए वो बिंदी के रूप में होता है अनुस्वार, और अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु के रूप में होता है। क्योंकि इसका उपयोग क्या होता है, या इसका नाक और मुंह, इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखो आँख, चांद, पाँच आदि। अब एक होता है हमारे यहाँ अयोगवाह, जैसे जिसे आप बोलते हो अंग और अह, ये क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ, जिस पर विसर्ग लगा हुआ है ये अंग, ये क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ, अयोगवाह, जिन्हें आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, आफ्टर साउंड्स। ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर कहलाती और न व्यंजन कहलाती, और स्वर और व्यंजन दोनों नहीं होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो योग न होने पर भी साथ रहे, मतलब किसी के साथ इसका योग नहीं है फिर भी ये साथ है। अंग और अस्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। अब बात आती है विसर्ग की। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है, इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, और इसका चिन्ह क्या होता है, दो बिंदु किसी भी शब्द के बाद लगा दिए जाते हैं तो वो विसर्ग होता है। और उसका उच्चारण कैसे होता है, ह के रूप में होता है। जैसे प्रातः शब्द है, उसके बाद आपने दोनों बिंदु विसर्ग के चिन्ह लगाए तो क्या पढ़ते हो आप उसे, प्रातः, दुशासन या प्रायः आदि। अब होती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जैसे आपने देखा है अर्धचंद्र होता है, डॉक्टर आपने देखा है, उसके ऊपर बिंदी नहीं लगाते लेकिन चंद्रमा तो बनाते हो, ये क्या कहलाती है हमारी यहाँ, ये आगत ध्वनि कहलाती है। ये अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग केवल कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, काफ़ी आदि। अब होता है एक हलंत। हलंत क्या होता है, किसी भी वर्ण के या किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है, जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला हुआ होता। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता, स्वर नहीं मिला हुआ होता, वहाँ पर इस हलंत का प्रयोग किया जाता है, या इसे लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। जैसे आप देखो विद्यार्थी, तो द के नीचे क्या लगा रहे हो, आप डंडा खींचते हो, वो क्या कहलाता है, हलंत कहलाता है। जैसे आपने लिखा द्वंद्व, द्वंद्व समास हम पढ़ते हैं, तो द के नीचे आप जो डंडा खींच रहे हो वो क्या कहलाता है, हलंत कहलाता है। समझ में आ चुका होगा। अब इससे संबंधित PDF मैं आपको भेज दूंगा, ये केवल समझाने के लिए था, तो आप इसे समझ लें। इसके बाद मैं जब डाउट क्लास आपकी लगाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप इसको केवल ध्यान से समझें और ये जो भेजा है इसको पढ़ें, इसके नोट्स की PDF मैं आपको भेज दूंगा।